नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 2.6। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8। इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया था, उसे भी आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, सुयस स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन द इन द फर्स्ट। मतलब फर्स्ट टेस्ट में उसने जितना मार्क्स स्कोर किया था सुयस ने, सेकेंड टेस्ट में उससे ज़्यादा 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया है। 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, मतलब फर्स्ट टेस्ट में जितना स्कोर किया था उसका मार्क्स हमें फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, लेट सुयस स्कोर्ड यक्स मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, एंड फर्स्ट टेस्ट में उसने कितना यक्स मार्क्स स्कोर किया, तो सेकेंड में कितना किया 10 ज़्यादा किया, मतलब यक्स प्लस 10, एंड ही स्कोर्ड यक्स प्लस 10 मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन में क्या बोल रहा है कि द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम, 5 times ऑफ द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू द स्कोर स्क्वायर ऑफ द स्कोर द फर्स्ट टाइम। मतलब जो सेकेंड टेस्ट का स्कोर है उसके 5 times, उसका 5 times किसके इक्वल है, फर्स्ट का स्कोर कितना था यक्स है उसके स्क्वायर के इक्वल। यही बोला है कि जो सेकेंड टेस्ट में जो उसने मार्क्स स्कोर किया उसका 5 times सेकेंड फर्स्ट टेस्ट में जो स्कोर किया उसके स्क्वायर के इक्वल है। तो 5 का 2 हम दोनों में करते हैं, 5 का x में 5 होगा और 5 का 10 में करेंगे तो कितना होगा 50 इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना तो हमको इस साइड ले लेते हैं, तो इसको हम उस साइड सेंड कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो हम कुछ इस तरह लिख देंगे, यक्स स्क्वायर ए उधर गया तो क्या हो जाएगा -5x, ए भी उधर गया तो कितना हो जाएगा -50 और क्या बचेगा इक्वल टू 0। अब 50 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि माइनस करके कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, 10 5 50, 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे क्या है माइनस, एक प्लस रहेगा एक माइनस, आगे देखिए माइनस तो बड़े वाला माइनस कर देंगे, छोटे वाले को प्लस, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 5x -50 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए एक्स हमने कॉमन लिया तो बचेगा एक्स -10 प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो एक्स -10 इज इक्वल टू 0। एक्स -10 फिर से कॉमन लिए तो बचेगा हमारा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं, सो देयरफॉर एक्स -10 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 10 का माइनस उस साइड गया तो क्या हो जाएगा प्लस, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 और x इज इक्वल टू कितना आ गया -5। लेकिन देखिए जो नंबर है वो कभी माइनस में नहीं होगा तो लिख देंगे x इज नॉट इक्वल टू -5 बिकॉज मार्क्स कैन नॉट बी निगेटिव। यहाँ पे जो मार्क्स है नेगेटिव नहीं रहेगा इसीलिए हमने 5 को कैंसिल किया, -5 कैंसिल किया, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। मतलब सुयस ने फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें कितना मार्क्स स्कोर किया है 10, सो देयरफॉर सुयस स्कोर 10 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट में उसने कितना 10 मार्क्स स्कोर किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, मिस्टर कासम रन से स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। मतलब मिस्टर कासम क्या है, अर्थन पॉट्स का बिजनेस रन करते हैं। ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, और वह हर दिन कुछ न कुछ
एक फिक्स रेट में क्या बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, फिक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं डेली। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स इज रुपीज 40 मोर देन द 10 टाइम्स ऑफ नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। मतलब जितना भी वन डे में अगर वह बनाते हैं पॉट्स, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसके नंबर के 10 टाइम से 40 ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है। इफ़ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज रुपीज 600 फाइन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ पर पॉट्स निकालना है हमें, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पर पॉट्स एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। मतलब पर डे वह कितना बनाते हैं वह हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ पॉट्स हम पहले क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट हमें पता चल जाएगा। लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम मेक्स एवरी डे बी यक्स। यह क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स है, यह नंबर है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट। सो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा क्या होगा, वह इस नंबर के 10 टाइम से 40 ज़्यादा होगा। मतलब 10x प्लस 40 या क्या होगा, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा और भी रुपीज़ में। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक दिन का उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना जाता है, 600 जाता है। तो टोटल अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पॉट्स निकालना है। तो चलिए लिख देते हैं, बाय गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन में क्या बोल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे कि इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है उनका, 600 रुपया है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 600। तो यक्स इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा, 600। नंबर ऑफ पॉट्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट्स इज इक्वल टू कितना उनको, 600 हुआ। अब x का हम इंटू दोनों में कर देते हैं, 10x स्क्वायर हो जाएगा, x का किया 10x में प्लस 40 में करें तो 40x हो जाएगा इज इक्वल टू 600। 600 को हम इस साइड लेते हैं, 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। देखिए सारे नंबर क्या है, 10 से डिविजिबल है, हम सबको 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा हमारा 4x और यहाँ कितना हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 60 को हम फैक्टराइज करते हैं कि प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 60 यहाँ लिखते हैं, 10 6 60, 10 - 6 इट विल बी 4। यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस एक माइनस रहेगा, आगे देखिए प्लस तो बड़ा नंबर प्लस और छोटा नंबर माइनस। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू टेक x कॉमन लिए तो x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन लो तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर से भी कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, फिर से हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 10 और सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू 0, दैट इक्वल टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस 10 है उधर गया तो माइनस 10 और x इज इक्वल टू 6। देखिए यह जो नंबर ऑफ पॉट्स कभी माइनस नहीं होती, मतलब यह कैंसिल हो जाएगा। लिख देंगे x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10 बिकॉज वह क्या है, पॉजिटिव नंबर पॉट्स बनाते, निगेटिव नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी निगेटिव। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। मतलब पर डे वो कितना पॉट्स बनाते हैं, 6 बनाते हैं। यह क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स आ गया और हमें क्या निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो लिख देते हैं यहाँ पे, सो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे इज इक्वल टू 6 एंड प्रोडक्शन कॉस्ट
ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 10x प्लस 40, 10x मतलब 10 इंटू 6 प्लस 40, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू रुपीज 100, मतलब कि पर जो जितना भी उनका पॉट्स आता है पर कॉस्ट का रेट कितना होता है 100 रुपीज़ होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब प्रतीक है जो कि 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है और वहां से रिटर्न भी आ जाता है, मतलब टोटल उसने डिस्टेंस कितना क्या कवर किया 36 जाने में और 36 किलोमीटर आने में। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब वाटर करंट की स्पीड हमें फाइंड करनी है। देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब कि जब नाव हमारी क्या है जो करंट की स्पीड में अगर जाती है तो डाउन स्ट्रीम हो गया, और वाटर करंट की स्पीड के अपोजिट में अगर नाव जाती है तो वह क्या रहेगा हमारा अप स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम में जाती है तो हमें ज़्यादा फोर्स ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ता है, मतलब नाव को स्पीड क्या होती है बहुत डाउन स्ट्रीम जाती है नाव की स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन अप स्ट्रीम में नाव की जो स्पीड है जो बोट की स्पीड वो माइनस हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करना है, हम फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो हमें वाटर करंट की क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। चलिए लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट की स्पीड हमारी यहाँ पे हमने यक्स किलोमीटर पर आर एज्यूम की है, और बोट की स्पीड क्या दी गई है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आर। अब देखिए अगर डाउन स्ट्रीम में जाती है तो नाव तो वही रहेगी लेकिन उसकी स्पीड थोड़ा क्या है और बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में 12 प्लस यक्स, और वही उसको रिटर्न आना पड़ता है तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, तो अप स्ट्रीम में उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी कम, मतलब 12 माइनस यक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 12 प्लस यक्स किलोमीटर पर आर। इसी तरह स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 12 माइनस यक्स किलोमीटर पर आर। अब क्या बोलता है, प्रतीक को जाने आने में टोटल कितना घंटा लगता है 8 घंटा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए हमारी गिवन कंडीशन के हिसाब से चलते हैं, बाय गिवन कंडीशन ध्यान देखिएगा, टोटल उसे कितना लगा है 8 घंटा लगता है, जाने में कितना है, उसकी जाने का समय क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 12x डिस्टेंस है टोटल 36r है, 36 किलोमीटर है डिस्टेंस, और जाने का उसका स्पीड कितनी है 12 प्लस यक्स। अब वहाँ से आना है तो आने के लिए भी उसका डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस वही है, लेकिन स्पीड क्या है 12 माइनस यक्स है, और टोटल मिला के उसे कितना घंटा लगा है 8 घंटा। फिर से आप इसको देखिए, टोटल समय कितना लगा है 8 घंटा, यह उसकी डाउन स्ट्रीम में यह उसको जाने का समय लगा है और यह उसको आने का समय लगा है। जाने के लिए उसके स्पीड का जो टाइम लगा है वो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यह जो टाइम है, और सेकेंड जो आने का, आने का भी क्या रहेगा टाइम, टाइम क्या हो जाएगा टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों का टाइम मिला के कितना घंटा लगता है 8 घंटा यह दिया हुआ है। अब देखिए 36 हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो बचेगा हमारा 1/12 + x + 1/12 - x
इज इक्वल टू 8। 36 के यहाँ पे मल्टीप्लाई उस साइड का तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा ये एज इट इज लिख लेते हैं हम 1 upon 12 plus x plus 1 upon 12 minus x is equal to 8 upon 36। इसका हम नीचे का नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 12 plus x into 12 minus x, इसका यहाँ पे करेंगे 12 minus x, इसका यहाँ पे करेंगे 12 plus x इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करें दोनों हमारा 4 से कैंसिल होगा, 4 2 जै 8 और 4 9 जै 36। यहाँ पे देखिए x और x कैंसिल, 12 plus 12 इट विल बी 24। और देखिए फार्मूला हमारा a plus b a minus b क्या होता है, a square minus b square, तो यहाँ पे भी 12 plus x 12 minus x मतलब 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 upon 9। 24 एज इट इज रहेगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 upon 9। अब क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यहाँ पे इंटू इसका यहाँ पे 2 into 144 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 into 9। 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई उस साइड रहेगा तो डिवाइड 144 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 into 9 upon 2। 144x square इज इक्वल टू, इसको इसे कैंसिल करें कितना है 12 का 9 में इंटू करेंगे 108। हमें x square की x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करते हैं हम x square को उधर सेंड करते हैं, 100 को इधर लेते हैं, 144 माइनस 108 इज इक्वल टू x square, माइनस करें कितना आएगा 36 इज इक्वल टू x square, सो देयर फोर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 6 आया, लेकिन जो स्पीड रहेगी जो वाटर का स्पीड है वो माइनस में नहीं होगा, तो माइनस 6 की सम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 6, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 6 बिकॉज द स्पीड ऑफ वाटर करंट कैन नॉट बी नेगेटिव हो सकता है, सो देयरफोर स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू 6 km/h। इस तरह हमने यहाँ पे जो वाटर करंट की स्पीड पूछा था उसको निकाल दिया, इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क, मतलब पिंटू निशु से 6 दिन ज़्यादा लेता किसी काम को कंप्लीट करने में, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो दोनों 4 दिन में पूरा काम फिनिश कर देते हैं, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलॉन, अगर वे लोग अकेले अकेले काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा, मतलब हमें निशु कितने दिन में काम कंप्लीट करता है और पिंटू कितने दिन में कंप्लीट करता है वही फाइंड करना है। तो चलिए एज्यूम करते हैं, लेट निशु टेक्स एक्स डेज एंड पिंटू टेक्स 6 days ज़्यादा दिया है, पिंटू टेक्स एक्स प्लस 6 days टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क, मतलब किसी काम को कंप्लीट करने के लिए निशु कितना दिन लगता है 1 दिन और पिंटू कितना लगता है 1 plus 6 दिन लगता है। अब उनके द्वारा एक एक दिन का काम निकालते हैं, वर्क डन बाय निशु इन 1 day, 1 day का काम कितना हो जाएगा उसका 1 upon x, एंड वर्क्स डन बाय पिंटू इन 1 day 1 upon x plus 6, वर्क्स डन बाय बोथ इन 1 days
इज इक्वल टू वन डे में दोनों का चार दिन में पूरा खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4 काम करेंगे। देखिए यह दोनों काम मिला के उनका यही काम हुआ बाय गिवन कंडीशन। एक दिन का निशु का काम कितना है 1/x और एक दिन का पिंटू का काम कितना है 1/6 और दोनों का मिला के कितना है 1/4 है। यही है, यह निशु का एक दिन का काम है, यह पिंटू का है और दोनों का मिला के कितना होता है 1/4 आता है। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं नीचे का नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई x का इंटू x प्लस 6 में करेंगे और 6x का x में 1 में करेंगे तो x प्लस 6 होगा और x का 1 में करेंगे तो 1 होगा x होगा इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए 1x कितना हो जाएगा हमारे यहाँ 2x प्लस 6/x का इंटू दोनों में करना है, x का x में करेंगे क्या होगा x का स्क्वायर और x का 6 में करेंगे 6x इज इक्वल टू 1/4। अब क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इंटू 1 में करेंगे इट विल रिमेन सेम एक्स स्क्वायर प्लस 6x ही आएगा। 4 का हम किस में करेंगे दोनों में करेंगे, 4 का 2 में करेंगे 2x 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 4 का 6 में करेंगे 24 हो जाएगा। हम दोनों इस साइड लेके आते हैं दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जनरल फॉर्म बना रहे हैं। एक्स स्क्वायर 8x में से 6 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब 24 को ऐसा फैक्टराइज करना है कितना आना चाहिए माइनस करके 2 आना चाहिए तो यहाँ पे देखिए क्या है माइनस तो बड़ा माइनस कर देंगे, चलिए 6 × 4 = 24 यहाँ माइनस तो प्लस एक माइनस रहेगा, यहाँ देखिए माइनस तो बड़ा माइनस छोटा वाला प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू टेक कॉमन, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 6 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 6 हम फिर से कॉमन लिए तो बचेगा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ प्लस सी माइनस 6 से उछड़ गया तो क्या होगा प्लस 6 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। देखिए ये माइनस आया, जो नंबर ऑफ डेज कभी भी माइनस नहीं होता तो हम क्या करते हैं इसको कैंसिल लिख देंगे, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 बिकॉज नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता है सो देयर फोर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से निशु कितना दिन लगते हैं 4 6 डेज आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, निशु कितना दिन लगेंगे 6 और पिंटू को कितना दिन लगेंगे 12 डेज सो देयर फोर निशु टेक्स 6 days एंड पिंटू टेक्स 6 + 6 इट विल बी 12 days टू कंप्लीट द वर्क अलोन, अकेले अकेले काम करने के लिए निशु को 6 दिन लगेंगे और पिंटू को 12 दिन लगेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8 कंप्लीट हो गया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।